नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वाले वीडियो में बात करेंगे हम कि यूपी में अभी कौन क्या है, और प्लस जो पूरी लिस्ट है चाहे सीएम की हो कि कितने अभी तक यूपी में मुख्यमंत्री रहे हैं, कितने जो है विधानसभा के स्पीकर रहे हैं, कितने विधान परिषद के जो है वो चेयरमैन रहे हैं, प्लस कितने गवर्नर रहे हैं यूपी में अभी तक शुरू से लेके, और प्लस इनसे रिलेटेड फैक्ट कि सबसे कम उम्र में कौन जो है सब ये सीएम बना, सबसे ज़्यादा बार सीएम कौन रहा, सबसे ज़्यादा बार ये चीफ मिनिस्टर कौन रहा। उससे पहले कन्फ्यूज़न दूर कर दूं, 17वां जो यूपी का विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें 41 महिलाएं ही जीती थी, जो मुझे ऑफिशियल डेटा मिला है। आप चाहें तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा की साइट पर जाके देख लीजिए, या फिर उस टाइम के इलेक्शन की जो न्यूज़ है उस पर जाके देख लीजिए। 42 जो लोग बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, मैंने सारा इसमें चेक कर लिया है, मुझे अभी तक कोई ऐसा सोर्स नहीं मिला जहाँ पे 42 लिखा हो, या फिर 40 मिल रहा था या 38 मिल रहा था, फिर मैंने सब कुछ चेक किया तो जो ऑफिशियल साइट पे वही माना जाएगा, सिंपल बात है। और जो है हाईएस्ट मतलब लार्जेस्ट एरिया वाला डिस्ट्रिक्ट है खीरी, और स्मॉलेस्ट वाला है जो हापुड़, ये मैंने लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, ठीक है, पहले वाले वीडियो में ही बता दिया गया था। उसके अलावा और भी बात करें, अगर दो तीन और कमेंट आए थे, एक कमेंट ये आया था एनसीआर में हरियाणा के 14 डिस्ट्रिक्ट, नहीं ऐसा नहीं है, एनसीआर की मैंने साइट से उठाया है ये डेटा, ये एनसीआर की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से उठाया है ये, अभी तक का अपडेटेड जो है उसमें अगस्त 2019 तक में तो यही है कि यूपी के 8 जिले हैं, हरियाणा के 13 जिले हैं, बाकी प्रपोजल वाली बात चल रही हो तो अलग बात है, लेकिन अभी जो है आज की डेट में बता रहा हूँ 28 सितंबर 2019 तक इतने ही हैं, हरियाणा के 13 हैं, यूपी के 8 हैं, राजस्थान के 2 हैं और दिल्ली पूरा है, ठीक है। फिर उसके बाद और एक दो क्वेश्चन आए थे, वो बिल्कुल ज़रूर जो है यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, और ये मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे अगर आप बात करेंगे यहाँ पे ये सारी चीज़ सही है, एक चीज़ ये करेक्शन है यहाँ पे, विकास प्राधिकरण जो है वो हाँ आप 28 नहीं 29 हो गए हैं, और 29वां जो है मिर्ज़ापुर हो गया है, पहला ये करेक्शन है यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है। जिन्होंने भी इसमें रिप्लाई दिया था उनका नाम नहीं याद आ रहा है, कोई बहनी जी हैं, कोई मैडम जी हैं, मतलब जैसे मैं जो लड़कियां उनको बहनी जी बोलता हूँ, तो वो वाली बहनी जी नहीं है जो यूपी की सीएम रह चुकी है, वो मेरा एक तरह से जैसे मैं भैया जी बोलता हूँ ना, वह उस वाली वो बहन जी हैं, मैं बहनी जी बोलता हूँ, तो मतलब ये हमारी कोई सिस्टर ने ही यहाँ पे किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 653 नहीं है, टोटल जो यूपी में सिटीज़ हैं विद म्यूनिसिपैलिटी वाली वो 654 हो गई है, मतलब 653 नहीं 654 हो गई है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 17 ही हैं, बिल्कुल सही बात है। एक यहाँ पे और यहाँ पे अपडेट है, ये अभी आप लोग नहीं पकड़ पाए, फिर मैंने और यहाँ पे सर्च किया है, नगर निकाय जो पालिका परिषद वाले हैं 202 हो चुके हैं अभी, 199 बता दिया था मैंने, तो एक ये भी है यहाँ पे कन्फ्यूज़न, तो ये भी आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, उसके बाद तो ये लगभग पूरे फैक्ट क्लियर हैं। देखिए अगर एक बात मैं बता दूँ, इतना डेटा होता है कि मैं खुद ही कोशिश करता हूँ कि हमारी तरफ से कोई गलती ना हो, मेरे से मतलब कोई डेटा बच जाए बहुत ही वैसी बात हो जाती है, लेकिन फिर भी इंसानों से गलतियाँ तो होती हैं, मैं मानता हूँ कि गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन बहुत ही मतलब माइन्यूट सी मिस्टेक होगी अगर मेरे से होगी, मैं बहुत चेक करता हूँ, घंटों में बैठा रहता हूँ गूगल में ही, ठीक है। तो ये वाली आप ध्यान रखिएगा, 17वीं विधानसभा में 41 महिलाएं चुनी गई थी, 42 नहीं है ये, 41 है ये, और जो है आपका 17वां लोकसभा में बात करेंगे तो 78 महिलाएं चुनी गई थी, दोनों फैक्ट याद रखिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मैं ये वाला गलत तो बता ही नहीं सकता हूँ। देखिए ये जो है ये ऑफिशियल साइट से डेटा लिया हुआ है, मैंने नहीं बनाया है, ये ऑफिशियल साइट से काट काट के निकाला है। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, यूपी में पहले बात करते हैं कि इस समय कौन क्या है, उसके बाद बात करेंगे पूरी लिस्ट जो इम्पोर्टेंट जी की है। जैसे इस समय चीफ सेक्रेटरी हैं आर के तिवारी, वो एक्टिंग है मतलब कार्यवाहक हैं, परमानेंट अभी पोस्टिंग नहीं की गई है यहाँ पे यूपी में चीफ सेक्रेटरी की। डीजीपी हैं इस समय ओपी सिंह, 23 जनवरी 2018 से हैं, अध्यक्ष यूपी लोकसभा के हैं डॉक्टर प्रभात कुमार, अध्यक्ष जो हैं आपके उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यानी कि उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के हैं ईश्वर शरण विश्वकर्मा, अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड यानी कि उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के हैं वीरेश कुमार, अध्यक्ष यूपी ट्रिपल एससी के हैं चंद्रभूषण पालीवाल, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे रखा है तो अभी मतलब ये पोस्ट खाली है कुल मिला के। अध्यक्ष मानव अधिकार जो आयोग है यूपी में उसके हैं न्यायाधीश सैयद रफत आलम, चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर हैं एल वेंकटेश्वर लू, ये हैं इस समय। फिर स्टेट चीफ जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है इस समय यूपी में वो है मनोज कुमार,
महाधिवक्ता यानी कि जो टॉप लॉ ऑफिसर होते हैं स्टेट के, एडवोकेट जनरल जो होते हैं वो हैं राघवेंद्र सिंह। फिर लोकायुक्त हैं यूपी में, इसमें ये न्यायाधीश संजय मिश्रा। उप लोकायुक्त हैं शंभू यादव। अध्यक्ष जो हैं 17वीं विधानसभा के हरदय नारायण दीक्षित हैं। बताइए किस पार्टी से हैं ये, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सभापति विधान परिषद के हैं इस समय रमेश यादव। अभी मैं ये सब चीज़ें बता चुका हूँ आपको, यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये देख रहे हैं आप, जैसे विधानसभा के जो हैं, विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये कौन है इस समय, लीडर ऑफ अपोजिशन है राम गोविंद चौधरी। और यहाँ पे जो हैं आपके ये असेंबली में मतलब स्पीकर कौन है, हृदयनाथ दीक्षित। ठीक है, यहाँ पे जो है ये लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें अगर आप, विधान परिषद, इसमें रमेश यादव हैं इस समय अध्यक्ष, और लीडर ऑफ अपोजिशन है अहमद हसन, और लीडर ऑफ हाउस है डॉक्टर दिनेश शर्मा। ये सब मैं पहले मतलब अपडेट कर चुका हूँ, ये वाली चीज़ वही है यहाँ पे। ठीक है, इस समय यूपी में जो इलाहाबाद, जिसको अब प्रयागराज बोला जाने लगा है, प्रयागराज हाईकोर्ट के जो है, मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट के 47वें चीफ जस्टिस वो हो गए हैं जस्टिस गोविंद माथुर। 46वें थे न्यायाधीश दिलीप बाबा साहब भोसले। फिर ये पांचवा जो राज्य वेतन आयोग है, वित्त आयोग है, मतलब स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है, आनंद मिश्र है उसके अध्यक्ष। राज्य योजना आयोग यानी कि स्टेट जो प्लानिंग कमीशन है, उनके योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे। SC ST आयोग के ब्रजलाल, और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग मतलब बैकवर्ड कास्ट जो कमीशन है उसके जो है अभी कोई नहीं है। महिला आयोग के यानी कि जो वुमेन कमीशन है उनका विमला बाथम है, और राज्य अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी कमीशन के तनवीर हैदर उस्मानी। तो ये तो हो गई नियुक्तियाँ, मतलब जो लेटेस्ट में कौन क्या है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं नियुक्ति अब तक। सबसे पहले मुख्यमंत्री राज्य के कौन थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। सबसे पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे, चौधरी नारायण सिंह। राज्य की मतलब उत्तर प्रदेश की और प्लस इंडिया की सबसे पहली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी। राज्य में अभी तक दो मुख्यमंत्री हुई, सुचेता कृपलानी और सुश्री मायावती जी। मायावती जी ही जो है सबसे ज़्यादा और सबसे टाइम पीरियड अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इन्हीं का है यूपी में मुख्यमंत्री बनने का। इस समय जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो कार्यकाल के रूप में 32वें हैं, लेकिन व्यक्ति के रूप में 21वें हैं। तो 21st हैं वो CM, और ओवरऑल 32 है। अभी मैं लिस्ट भी दिखाऊंगा। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने हैं, सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री मायावती बनी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री कौन कौन है, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। पहली राज्यपाल यानी गवर्नर कौन थी, मतलब आज़ादी के बाद की बात हो रही है यहाँ पे। अभी पूरी लिस्ट देखेंगे तो हम देखेंगे आज़ादी से पहले भी थे, तो आज़ादी के बाद की है सरोजिनी नायडू। राज्य और देश की पहली महिला जो है राज्यपाल यानी कि इंडिया की और यूपी की पहली गवर्नर सरोजिनी नायडू थी। सबसे ज़्यादा बार राज्यपाल कौन बने, मोहम्मद शफी कुरैशी और BL जोशी, दो दो बार। इस समय आनंदीबेन पटेल हैं, ये हैं 28वीं गवर्नर, ये जरूर याद रखिएगा। तो योगी आदित्यनाथ 21वें मुख्यमंत्री हैं पर्सन वाइज, ठीक है, कार्यकाल वाइज 32 हैं, और जो आनंदीबेन पटेल हैं वो 28वीं राज्यपाल हैं, ये जरूर याद रखिएगा। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो अध्यक्ष थे चंद्रपाल थे। सबसे ज़्यादा बार विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के अध्यक्ष बने बीरेंद्र स्वरूप, दो बार फुल, तीन बार जो है एक्टिंग। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। उसके बाद सबसे ज़्यादा बार विधानसभा अध्यक्ष यानी कि विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली वाले आत्माराम गोविंद खेर और केसरीनाथ त्रिपाठी। विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को कौन कौन ऐसे हैं जो दोनों हुए हैं, श्रीपति मिश्रा और श्री बनारसी दास। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इलाहाबाद हाईकोर्ट के श्री वॉल्टर मोर्गन, और जो है 46वें, अभी बताया मैंने, 47वें भी बताया अभी, गोविंद चौधरी, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किए थे ये, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, गोविंद माथुर, गोविंद चौधरी नहीं। और प्रथम लोकायुक्त जो है विशंबर दयाल, इस समय जो है लोकायुक्त कौन है, 7वें है ये संजय मिश्र। ये कुछ लिस्ट है ये चीफ जस्टिस जो यूपी में रहे हैं, ये सबसे पहले थे वॉल्टर मोर्गन, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये बात करेंगे यहाँ पे, इस समय गोविंद माथुर हैं, ये 47वें नंबर के उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं, उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट हैं, ये जरूर याद रखिएगा। तो 47 है चीफ जस्टिस ऑफ यूपी, 21वें मुख्यमंत्री हैं, 28वीं राज्यपाल हैं, 7वें जो है अभी लोकपाल, अभी हमने देखा, तो ये चार आप याद रखिएगा। अब देखिए ये लिस्ट मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट निकाली, ये आपको देखना बड़ी ज़रूरी है। और उससे पहले ये जो है ये टेलीग्राम में ग्रुप है, ये हमारा ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमको यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज़ आप, ये रिक्वेस्ट जरूर है आपसे
इसको फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम को डाउनलोड करके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, देखिए ये है एड्रेस जो कि डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। चलिए इसमें लिस्ट देख लेते हैं इसमें, जैसे ये देखिए लिस्ट ऑफ ऑल गवर्नर्स ऑफ यूपी है, ठीक है। तो देखिए अगर इसमें आपने क्लिक किया तो ये अलग से खुलेंगे ये पेज, ऑनलाइन दिखा रहा हूँ आपको। ये राजभवन जो यूपी का राजभवन है उनकी है तस्वीर। अब देखिए इसमें प्रेजेंट में तो आनंदीबेन पटेल है तो उनका नहीं दिया है, ये फॉर्मर गवर्नर की लिस्ट है पूरी। तो अब वो 28वीं है, 27वीं राम नायक थे, फिर अजीत कुरैशी थे उनसे पहले, ठीक है, बीएल जोशी थे, टीवी राजेश्वर थे, ठीक है, सुदर्शन अग्रवाल एक्टिंग थे, विष्णुकांत शास्त्री थे उनसे पहले, फिर सूरज भान थे, ये मोहम्मद शफी कुरैशी थे, ठीक है, फिर ये रोमेश भंडारी मोहम्मद शफी कुरैशी, ठीक है, फिर ये मोतीलाल वोरा बी सत्यनारायण रेड्डी, फिर उससे पहले कौन थे, श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ, उससे पहले चंद्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह। तो ऐसे पूरी लिस्ट देख सकते हैं, पूरी लिस्ट रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए। जैसे अगर आप बात करें यहाँ से कि जैसे आज़ादी के बाद तो सबसे पहली कौन बनी, सरोजिनी नायडू, उसके बाद श्री बीबी मलिक, ठीक, और आज़ादी से पहले भी जो है यूपी, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, तो सबसे पहले अगर आपको बात करी जाएगी तो ये कौन है, ये थे श्री सर हार्टकोट बटलर, 1922-21 जो 1919 वाली जो आई थी स्कीम उसके तहत बने थे। फिर उसके बाद विलियम एस मैरिस, फिर अलेक्जेंडर फिलिप्स मुद्दीमान, ये ऐसे बने, ये वाले सब बने थे, विलियम मैलकॉम हेले और सर हैरी ग्राहम हेग। तो ये पूरी गवर्नर की लिस्ट है, मतलब कुल मिला के बस आपको याद रखना है कि आनंदी बैन 28 थे और इनसे पहले वाले कौन थे, वो थे आपके 27th, ठीक है। फिर देखिए ये सेकंड जो लिस्ट आपको देखनी है, ये यूपी जो है, जैसे योगी जी जो हैं 21st पर्सन वाइज हैं और 32वें टोटल हैं कार्यकाल वाइज। वीर बाला बोलते हैं आनंदी बेन पटेल को, जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं यूपी की, इन्होंने यूपी के 28वें राज्यपाल के तौर पे यहाँ पे शपथ ली, जरूर याद रखिएगा। इस लिस्ट को देख लेते हैं यहाँ पे, ये भी ऑनलाइन लिस्ट है ये, इसमें आप पूरे जो है लीडर ऑफ हाउस या फिर चीफ मिनिस्टर की पूरी लिस्ट देख सकते हैं ये, ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिस्ट वाला व्यू कर लेते हैं इसमें। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप कि सबसे पहले कौन थे, श्री नारायण मोहम्मद अहमद साहिद खान 1937 में थे, फिर पंडित गोविंद बल्लभ पंत बने थे, आज़ादी के बाद भी सबसे पहले यही बने थे, उससे पहले यही प्रीमियर थे। और फिर अगर आप पूरी लिस्ट देखेंगे चीफ मिनिस्टर्स की, तो 32वें कार्यकाल वाइज है आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जी, और जो है 21वें है पर्सन वाइज, ठीक है, पूरी लिस्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे। फिर पूरी लिस्ट के लिए हमको जाना पड़ेगा इस लिंक पे चलते हैं। देखिए ये विकिपीडिया में जरूर दिया हुआ है, लेकिन बिल्कुल सही दिया हुआ है यहाँ पे, जितना डेटा है मैंने सब चेक कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे चीफ मिनिस्टर की, यहाँ पे पूरी ये है इस समय, तो ये हैं 5 साल का टर्म होता है, सबसे पहले कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत। अब यहाँ पे देखिए कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं कि अभी तक 21 हुए हैं, जिसमें से 11 जो हैं कांग्रेस से थे, ठीक है, और वीपी सिंह ऐसे थे जो कि प्राइम मिनिस्टर भी बने, और जो है जैसे चरण सिंह भी थे जो कि प्राइम मिनिस्टर बने। यूपी में 2 महिला अभी तक मुख्यमंत्री रही, सुचेता कृपलानी और मायावती। अखिलेश यादव अभी तक यहाँ पे 38 साल में बने थे, जो कि यंगेस्ट पर्सन है, सबसे कम उम्र में यूपी के बनने वाले। अच्छा आप एक बात बताइए, पूरे इंडिया में सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले जो है उन पर्सन का नाम बताइए, और प्लस वो किस स्टेट से हैं ये भी बताइए जल्दी से। उसके बाद देखिए इमरजेंसी यूपी में 10 बार लगा है अभी तक, 2002 में लास्ट टाइम लगा था, ठीक है, और ये पूरी जो है लिस्ट है यहाँ पे। फिर ये देखिए ये पूरी लिस्ट है यहाँ पे, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जैसे गोविंद बल्लभ पंत हैं, ठीक है, संपूर्णानंद हैं, तो ये पूरी लिस्ट विकिपीडिया में दी हुई है। इसमें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो इम्पोर्टेंट वाली बात मैंने बता दी, 21वें हैं योगी आदित्यनाथ जी पर्सन वाइज और 32वें हैं कार्यकाल वाइज। और यूपी में असेंबली कौन सी चल रही है, 17वीं असेंबली चल रही है, 17वां विधानसभा चल रहा है, ठीक है। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सबसे ज़्यादा कार्यकाल, टोटल नंबर ऑफ डेज जो है, उसमें कौन यूपी का चीफ मिनिस्टर रहा है, सबसे ज़्यादा दिन तक यूपी का मुख्यमंत्री कौन रहा है, जल्दी से बताइए कमेंट करके।